वरना तू अपने घर का है। ओ पैसा है तो तो हेलो नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय चैनल इन्फोमेडिकल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो बेसिकली कैसे हो ये बताओ पहले। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, क्या चल रहा है? एंड यस, एसेंशियल रिक्रूटमेंट की थंबनेल एंड टाइटल देख के आए होंगे। तो बेसिकली दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 2024 एंड 2025 बैचेस। व्हाट आर द एग्जैक्ट थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ड्यूरिंग दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंड टू एंड टेस्ट पैटर्न, how they have divided their test segment and what round you have to take what attention actually, because which round are kind of an elimination round, which round is kind of an just a passing round or cumulative round. You need to know na what is the minimum marks that is actually expected from a candidate in the multiple round that you are appearing, how you can plan your strategy in order to clear the examination, and yes, whether Accenture is a good company to work or not, and if it's good, why Accenture. So I will be talking regarding all this thing, all about hikes, growth, all about the recruitment process. Very small briefing it will be. Even if you want to know more, you can put up your doubts and queries in the comment box. I can check up from there and definitely help out with the various doubts that you will be putting over here about the recruitment process, joinings or anything. Even if you need any personal assistant regarding yaar mere ko baitha ke mock interview kara do, resume bana do, आइडिया दे दो, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मोरल बूस्टिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे टॉपमेंट की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन के बायो में या फिर मेरे चैनल के बायो में, वहां जाके आप बुक कर सकते हो मेरे साथ स्लॉट। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे का स्लॉट है एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डाउट, एज पर योर थिंग, वॉट एवर यू नीड, बिकॉज आपको पता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन नीड्स है, उस हिसाब से आप 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का स्लॉट बुक कर सकते हो एट वेरी मिनिमल प्राइस। ओके, ये सब छोड़ो, इफ यू हैव एनी स्मॉल डाउट्स यू कैन जस्ट कमेंट और यू कैन कम ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ट्राई टू गेट कनेक्टेड विथ मी। तो सबसे पहले एसेंशियल के टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी में अगर आप बैठने जा रहे हो तो सबकी जो टेस्ट पैटर्न है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। रिटन राउंड के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद एचआर राउंड, एचआर राउंड के बाद फाइनल ऑफर। Similarly, if you are sitting in Accenture, one thing is twist over here, not a big twist, it's like they offer two packages, one is 4.5 LPA and another one is 6.5 LPA. It's approx I'm talking about, some changes are there like 4.61 and something over 6.1 something. Okay, for a BTech graduating candidate from any private random college, okay, I'm not talking about NITs, IITs and all, वहाँ पे packages थोड़ी different है, but private engineering college में ये range of package Accenture offer करती है, अगर आप BTech हो तो। तो अब जो ये range offer करती है, तो 4.5 LPA और 6.5 LPA में क्या difference है? क्या expect करते हैं, क्या 6.5 वाला Einstein चाहिए? 4.5 वाले गधे होंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। See, you have to go through certain test pattern. ओके, सर्टन टेस्ट पैटर्न में पहला पैटर्न जो आता है कॉग्निटिव का आता है और साथ में टेक्निकल असेसमेंट होता है। ये दोनों सेक्शन इज अ मैंडेटरी सेक्शन वेयर आई वुड रिकमेंड यू कि 60% तो भाई मिनिमम रखने का ट्राई करना, 60-70% के बीच में कट ऑफ जाएगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड, हाउ द क्राउड इज पार्टिसिपेटिंग, कुछ परसेंटाइल इसमें कम भी हो सकता है, बट हाँ बेसिक इतना रखने का ट्राई करना 60-70% कि आपको कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट जो मैंडेटरी फील्ड है, मैंडेटरी असेसमेंट है, वो क्लियर हो जाए एटलीस्ट। क्योंकि अगर ये दोनों आप क्लियर कर लिए तो कोडिंग में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हो तब भी आप इंटरव्यू राउंड में जा रहे हो, दैट्स फॉर वेरी श्योर। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू क्लियर दिस टू राउंड फर्स्ट, कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट आपको क्लियर करना ही करना है, ठीक है? तो कॉग्निटिव के लिए जो प्रिपरेशन है, बेस पर बेसिक लाइक इंग्लिश एबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा एक आर एस अग्रवाल का बुक आता है भाई, अगर आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो राइट नाउ, दैट्स माय पर्सनल सजेशन टू यू ऑल गाइस, कि आप देख सकते हो आर एस अग्रवाल की बुक, जिसमें कॉग्निटिव क्लियर करने के सब तरीके मिल जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अरिथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के पर सर्टन पैटर्न्स जो फॉलो होते हैं, जो अगर आप करके रखोगे तो डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इंग्लिश एबिलिटी के टेस्ट जो वर्बल में होता है वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज दिस विल बी गिविंग यू एन इनफ आइडिया कि आपको क्लियर कैसे करना है। तो आप बेसिक ग्रामर स्किल्स है या फिर एक्यूमेन है, इंग्लिश एक्यूमेन, तो डेफिनेटली कॉग्निटिव राउंड तो आपका हो जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मिनट में। ओके, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कैसे भी करके 60-70% मार्क्स लाने का ट्राई करना, ठीक है? सी, एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड, बट यस, ट्राई टू गेट दिस मार्क्स।
मीन्स इससे कम होने का ट्राई मत देना, इतना प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, बट बेसिक एक्सपेक्टेशन एंड कट ऑफ इतनी जाती है। उसके बाद भाई आता है टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट में भी 40 क्वेश्चन 40 मिनट के सेशन होती है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन होता है सूडो कोड होता है, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स एंड ऑल। सो बेसिक कंप्यूटर की मतलब फंडामेंटल्स चेक होती है, सूडो कोड, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड क्लाउड। सो ये 40 क्वेश्चन 40 मिनट का है, और ये दोनों राउंड मिला के आपको क्लियर करना है कोडिंग राउंड में जाने के लिए। अगर यहीं पे आपने कट ऑफ पार नहीं किया तो यू विल बी नॉट मूविंग टू कोडिंग राउंड, और हाँ यू आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड फ्रॉम द एसेंचर रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड यू हैव टू रीअप्लाई इट अगेन आफ्टर द फ्रीजिंग पीरियड। बट वंस यू क्लियर दिस यू विल बी गोइंग फॉर कोडिंग राउंड, और ये दोनों राउंड क्लियर होने के बाद ये गारंटी है कि आप इंटरव्यू में तो जा रहे हो जा रहे हो। तो कोडिंग राउंड विल बी डिसाइडिंग कि अगर आप 6.5 में तैयार हो रहे हो कि 4.5 में जा रहे हो, ठीक है। बट हाँ वंस यू क्लियर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल आप इंटरव्यू में जा रहे हो, दैट्स फॉर श्योर। और कोडिंग राउंड आपकी डिसाइड करेगा कि आपको 6.5 की पैकेज मिलेगी या 4.5 की। तो जितना अच्छा परसेंटाइल रहेगा आउट ऑफ द क्राउड दैट आर परफॉर्मिंग इन दैट रीजन, उस हिसाब से आपको आगे वाले पैकेज या पीछे वाले पैकेज में वो भेजेंगे इंटरव्यू में। बट हाँ इंटरव्यू के पहले एक कॉमन वर्बल टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, तो वो आपको एक देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है एक सर्टन पैटर्न एसेंचर जो फॉलो करता है इन ऑर्डर टू डिसाइड कि आप 4.5 में जा रहे हो या 6.5 में जा रहे हो। तो एसेंचर की रिक्रूटमेंट ड्राइव में अगर आप बैठ रहे हो तो ये चीज़ों का एकदम ध्यान रखो। इंटरव्यू को कैसे टैकल करना, इफ यू क्लियर दिस राउंड डेफिनेटली आई कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू यू, ओके, फॉर मॉक इंटरव्यू, फॉर रिज्यूमे प्रिपरेशन, एनी वे यू वॉन्ट हेल्प फ्रॉम माई एंड डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। यू कैन जस्ट चेक आउट अ डॉक्यूमेंट लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन पिंग मी अप ऑन द इंस्टाग्राम और थ्रू माई ई मेल और थ्रू बुकिंग अ स्लॉट लाइक 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का स्लॉट। कुछ भी डाउट्स आ रहा है कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्लान करें मॉक इंटरव्यू, रिज्यूमे में क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे अपने आपको प्रेजेंट करना, बिकॉज एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी इनिशियल जॉब मैटर, ओके। बहुत लोग बोले कि भाई 4.5 लाख की जॉब के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो, भाई कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, अपनी कंट्री बहुत पीछे है अभी एंड पीपल आर फाइटिंग फॉर दिस जॉब ऑल्सो, ओके। सो आई वुड रिकमेंड कि मिल रहा है भाई, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग एसेंचर ऑल्सो, इट्स अ वेरी गुड कंपनी इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट। रीजन आई एम टेलिंग बिकॉज इट्स हैव अ वेरी गुड ग्रोथ रेशियो विद इन इंटरनल इन द कंपनी, विद इन 2 to 3 years दिस पैकेज कैन टर्न इन टू 9। I cannot guarantee you, but I can definitely give you a right figure and right number out of my connections I have seen. So 3 years ke andar within a company, that's a very big thing. To turn this 4.5 LPA package as a 9 LPA, that is also possible. Okay. So it's a good one only. But what are the things that you should definitely take care while joining this? Like you are a tech savvy kind of person, because they will be deploying you into the trending technology, either it's be a SAP, SAP, development, React, Angular, Java, Spring Boot, analytical tools like Power BI, Tableau, anything as per their requirement they will be deploying you. So be ready that जो भी देंगे आप adaptive रहोगे, because अभी तो आपको अपना interest पता नहीं होगा, you are just going with the flow, जैसे engineering कर लिया flow में, अब ये भी कर लेते हैं flow में, तो अगर flow में जा रहे हो definitely whatever they are giving you just try to take it, don't try to change all this stuff कि नहीं मेरे को Power BI मिला है SAP ज़्यादा अच्छा मैं SAP लूँगा, मेरे को ये मिला मेरे को वो चाहिए, भाई ये सब के चक्कर में मत पड़ो। Whatever you are getting, even if you are not liking it, try to take it, don't try to create a means nonsense I would say, because that would be just killing your time, and that will be giving in this tough market scenario you can give you anything. Even if you are not liking, try to learn it from somewhere else, try it for a switch if you are not liking the technology, but go in this way. So these are the things that you need to definitely follow if you are sitting in the recruitment drive. After that interview will be like 1 hour interview, that will be accumulations of HR as well as technical. Technical interview will be totally as per any service based company. What you have to do, you have to be prepared with the basic concept of Java, Oops and all. ओके जब आप जावा ऑप्स से सबके कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहे हो, कुछ चीजों को ध्यान में रखना कि लाइक यू शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद द सिंटैक्स,
we should be very much similar with whatever you are talking. Abstraction, encapsulation, polymorphism, ये सब तो पता होना चाहिए basic terms. उसकी implementation कैसे class में लेते हैं, कैसे class create करते हैं, कैसे inheritance को call करते हैं, कैसे list collection बनाते हैं. एक छोटे छोटे live example करके रखूँ, that will be giving you enough confidence to talk in front of an interviewer. देखो expectation तो ऐसे कुछ नहीं होता है, but basic expectation if you are meeting, that will be good for you only if you are entering into the company. Okay. So, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आपको, whether it's be Java, whether it's be Python, whether it's be CS, .NET, anything, okay. But हाँ, be confident, be smart in order to answer all those questions, whatever they are shooting in front of you. Also, whenever you are preparing this recruitment process and all, don't get deviated by seeing the package and all. See, these are the small term things. The big term is how to prepare best and how to get options, how to get next year to move ahead in your career. Okay, package like they can demotivate nahi hona hai. In fact, you have to move in a better way. And this is a very good opportunity, Accenture Recruitment Drive 2025. In this tough market scenario, they are recruiting candidate. That's a very good thing. Plan accordingly. Plan in a wiser way. If you need more detail regarding anything about Accenture and all, anything, whether it be training, whether it be pre-joining thing, whether it be what they do during the training, whether they fire during the training or not, whether what exactly is expected during the training. So do let me know. And if you need any personal assistance, don't forget to give a big thumbs up, subscribe, and share it among your friend group. We'll meet you soon with a new informative content. Tab tak ke liye, take care. And haan, mere se personally connect karna hai, koi personal doubt hai, to top mat ke link mil jayegi niche description mein. Book kar sakte ho mere sath slot. Kisi bhi company related, or whether it be Accenture, TCS, Wipro, Capgemini, Service Consulting, with anything, I can help you out. Or kuch bhi further assistance to comment down below, Instagram pe puch lo. And yes, let's meet you with a new informative content. Batao kis pe naya video chahiye. Tab tak ke liye, take care and bye bye.